हम लोग को 18 भाषा आता है, इंग्लिश, हिंदी, सब सारी सारी भाषाएं आती हैं, बंगाली, सब स्पानियन, बताइए जापानी, लोग हमारे शहरों में एक एक भाषा सीखने के लिए इतने लंबे लंबे कोर्स करते हैं और इनको 18 लैंग्वेजेस पता है, बताइए। कोई शमशान जाएगा, कोई कब्रिस्तान जाएगा, माटी का पुतला इसी माटी में मिल जाएगा। फुर्सत अगर नहीं है मंदिर मस्जिद जाने की, किसी रोते को खुशी दे स्वर्ग ही मिल जाएगा। कभी गुरूर जो आ जाए अपने बेहतर होने का, शमशान घूमकर आ जाना उत्तर वही मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मणिकर्णिका घाट पर और आपको बताऊँगी यहाँ से जुड़ी हुई छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक। और इस समय दोस्तों बज रहे हैं रात के 9 और हम आपको सुबह तक की सारी जो वहाँ पे चीज़ें होती वो सब दिखाएंगे, बताएंगे और हम आपको वहाँ की हर एक चीज़ के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों काशी की संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ है, इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस के लिए एक पंक्ति काफ़ी प्रचलित है, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम के शमशान घाट में हम आपको लेकर चलते हैं। और आप देखिए दोस्तों यहाँ की गलियाँ देखते रहिए, कितनी तंग गलियाँ, लेकिन दोस्तों इन तंग गलियों का भी अपना एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मज़ा। काशी में किसी भी जगह में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। तो दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं एक और जो यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, नवरात्रि की सप्तमी तिथि को बाबा महाशमशान का वार्षिक श्रृंगार उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद भव्य आरती के बाद शाम के टाइम नगर वधुएं जो होती हैं पहले सुरंजलि प्रस्तुत करती हैं और उसके बाद शुरू होता है धधकती चिताओं के बीच घुंघरुओं की झनकार का सिलसिला। जिंदगी और मौत का एक साथ एक ही मुक्ताकाशी मंच पर प्रदर्शनी किसी को भी आश्चर्य से भर सकता है। मान्यता है कि इस महानिशा को महाशमशान पर नृत्य करने वाली नगर वधुओं को उनके अगले जन्म में इज्जत भरी जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तवायफें यहाँ पर पूरी रात फिल्मी गीतों पर ठुमके लगाती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में उन्हें इस तरह का काम ना करना पड़े। तो दोस्तों देखिए जरा इस परम्परा की एक छोटी सी झलक। और ये परम्परा 351 साल पुरानी कही जाती है। यहाँ पे चिता और महफिल दोनों ही एक साथ चलती हैं। ये है काशी की मणिकर्णिका घाट की विशेषता। कहते हैं कि राजा मानसिंह ने जब इसका जीर्णोद्धार करवाया था तो उन्होंने भजन कीर्तन के लिए कुछ लोगों को निमंत्रित किया, लेकिन शमशान होने की वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। बाद में नगर वधुओं ने यहाँ अपनी कार्यक्रम करने की इच्छा जाहिर की और राजा ने उनके इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तब से नगर वधुओं के नृत्य की परम्परा शुरू हुई जो आज तक चलती चली आ रही है। शिव को समर्पित गणिकाओं की ये भावपूर्ण नृत्यांजलि मोक्ष की कामना से युक्त होती है। तो आइए डालते हैं इस पर एक नज़र।
दोस्तों मणिकर्णिका घाट के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ 2400 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन यहाँ चिताओं की अग्नि तब से जल रही है और आज तक वो जलती ही चली जा रही है। कहते हैं कि जब शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी, तब से ये जल रही है। और दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं मृत्यु और मोक्ष का उत्सव जो यहाँ पे मनाया जाता है। पहले आप उसकी एक झलक देखिए, फिर हम उसके बारे में आपको सारी जानकारी बताते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हर साल कुछ अनूठा होता है। यहाँ भोलेनाथ के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं। इसे मृत्यु और मोक्ष का उत्सव माना जाता है। डमरुओं की गूंज के साथ भक्त मणिकर्णिका घाट स्थित मसाननाथ मंदिर में आरती पूजा कर भस्म अर्पित करते हैं। बताया जाता है कि यह उत्सव ओघड़दानी मसाननाथ के साथ होली का है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों को महाशमशान से आशीर्वाद देते हैं। बाबा अपने गणों के साथ महाशमशान मणिकर्णिका पहुंचते हैं और गुलाल के साथ ही चिता भस्म से होली खेलते हैं। क्योंकि बाबा को भस्म बहुत प्रिय है तो इसलिए यहाँ पे लोग चिता की भस्म के साथ होली खेलते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। दोस्तों इस घाट के बारे में दो तीन कहानियाँ और भी कही जाती हैं। एक तो माता पार्वती और शिव जी की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ उनके कर्ण और कुंडल की। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहीं पर किया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं और आज भी वहाँ दिन रात दाह संस्कार होते रहते हैं। एक और कहानी है, उसके हिसाब से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से, यहाँ एक कुंड होता था उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई, इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका रखना पड़ा। अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानियाँ आती हैं दोस्तों, लेकिन जो ज़्यादातर सुनने में आती है वो हमारी शिव और पार्वती जी की ही कहानी आती है। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास में। चारों तरफ देखिए आपको यहाँ पे रखी हुई लकड़ियाँ और यहाँ की आवाज़ें और यहाँ पे जो भी चीज़ें, इनसे अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम घाट के बहुत पास में पहुंच चुके हैं। का
दोस्तों प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया जाता है और ये स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन के स्नान से सभी तरीके के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने का ही स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं घाट के बिल्कुल बाहर और आपको जो मणिकर्णिका घाट पे मंदिर दिखाई दे रहा है, इसका जो शिखर है ये थोड़ा सा झुका हुआ है यहाँ पे मंदिर। और यहाँ के लिए कहा जाता है कि जिस दिन भी इस मंदिर का जो शिखर है जो थोड़ा झुका हुआ है वो जिस दिन पानी में डूब जाएगा उस दिन सारी काशी समाप्त हो जाएगी। वो दिन अंतिम दिन होगा काशी का जिस दिन ये शिखर पानी में डूबेगा, जो कि पिछले हजारों साल से अभी तक तो नहीं हो पाया। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मणिकर्णिका के बिल्कुल पास में, बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे सारी चिताएं जल रही हैं और बहुत सारे शवों का आना जाना जारी है लगातार। दोस्तों इस शमशान घाट को कहना चाहिए महाशमशान घाट को तीर्थ स्थान का नाम दिया गया। कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से, यहाँ पे जो हमारे मसान बाबा जी की आरती होती है वो सब देखने से एक तरीके का आप तीर्थ करते हैं, क्योंकि जो ये जो घाट है ये सीधा हमारा मणिकर्णिका घाट जो है सीधा हमारे शिव जी से, माता पार्वती जी से, विष्णु जी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस शमशान घाट को हमें एक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से दूर दूर तक धुआं ही धुआं नज़र आ रहा, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ नज़र आ रही और कोई कह नहीं सकता इस समय रात के 11 बजे हो। और दोस्तों अब हम बात करेंगे यहीं पर रहने वाले, मणिकर्णिका घाट के किनारे पर रहने वाले रवि साहनी से, जो कि यहाँ पर बोट चलाते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान है। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ मणिकर्णिका घाट पे और आप पीछे देख सकते हैं इस समय एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे शव जो है उनका दाह संस्कार हो रहा है। तो यहाँ पे देख के ये एक अलग ही मन विचलित सा हो जाता है कि आखिर सच्चाई यही है, लेकिन फिर भी हम दौड़ भाग में लगे हैं। अब इसी को जीवन कहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन फिर भी हम लगे तो रहते ही हैं, क्या करा जाए। तो यहाँ पे ये एक भैया हैं जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे नाव भी चलाते हैं, यहाँ पे ना नाव वगैरह भी चलाते हैं और इसी एरिया में रहते हैं। तो इनसे थोड़ी सी पूछताछ करते हैं यहाँ के घाट के बारे में। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताओ आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? हमारा ये यहाँ पे बुनियाद है, हमारे दादा परदादा सभी लोग, उनका जन्म इसी जगह हुआ है। अच्छा अच्छा। तो मैं हम लोग बचपन से ही इसी जगह पला पोसा हूँ। हमारा काम है बोट चलाने का, मैं बोट चलाता हूँ। हमारे यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं उनको बोट पे जाए चाहे ना जाए, पर उनको हम ये बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। खाली देखने से नहीं होता, देखने को तो दुनिया देखती है, दुनिया देखती है, लेकिन समझने की बात, उसका इंटरेस्ट लेना ही उसकी अच्छी बात है। बिल्कुल सर। तो मैंने सुना जैसे यहाँ पे 24/7 मतलब कि किसी भी समय बंद नहीं होती, अग्नि जलती ही रहती है। जी हाँ, यहाँ पे 24 घंटे जलते हैं 365 दिन, जिस दिन भी यहाँ पे एक दिन भी बंद नहीं होता। जिस दिन हम लोग दिवाली या होली या कोई भी त्यौहार हम लोग घर में मनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि बंद हुआ। यहाँ पे लॉकडाउन में भी जला है, अभी भी जल रहा है और जलता रहेगा। बात है, जैसे जन्म होते ही रहेंगे तो मृत्यु भी होती ही रहेगी, वो तो रुकने वाली चीज़ है ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप क्या कहना चाहेंगे बनारस के बारे में, यहाँ के बारे में? बनारस तो बना हुआ रस है, लोग को देखने का नज़रिया खाली अच्छा, अच्छे मन से रहना चाहिए, बाकी तो सब सही है। सच्चाई यही देखिए मणिकर्णिका जैसे अकड़ मुर्दे की पहचान है। बिल्कुल, ये इसको सारी जिंदगी हम सोचते रहते मेरा मेरा मेरा, जब यहाँ आते तो पता चलता कुछ भी मेरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। एक दूसरे का हक छीन कर जीवन मिल जाते हैं, पर जब यहाँ आ जाए तो खाली हाथ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आज के समय में साधारण से रहिए, जीना सीखिए कैसे जिया जाता है, साधारण रूप से रहिए, आपको मोक्ष की गति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप, मेन बात है कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखना, अपना आत्मा को शुद्ध रखना। बिल्कुल सही बात, यही हमारा सोच है, प्रॉपर्टी साथ में नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों इस समय मैं मणिकर्णिका घाट पे हूँ जैसा कि आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक छोटी सी कहानी जुड़ी है यहाँ से वो इस तरीके से कुछ है कि एक बार जो पार्वती माता जी थी उनके कानों का जो कर्ण था, कुंडल था, वो यहाँ कहीं पे गिर गया था, तो शिव जी ने इसी वजह से यहाँ का नाम मणिकर्णिका रखा है। उसका भी मैं बता। हाँ जी बताइए। इस घाट का मणिकर्णिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आगे में एक कुंड है, मणिकर्णिका कुंड।
तो दोस्तों ये है वह कुंड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस कुंड की खास विशेषता जो है वो कहानी हमारे विष्णु जी से जुड़ी हुई है, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दें कि होली के टाइम पे यहाँ पे विशेषकर अच्छी तरीके से सफाई की जाती है। पहले पूरी 2-3 दिन तक लगातार इस कुंड की सफाई का काम चलता है, और जब पूरी कुंड की अच्छे से सफाई हो जाती है उसके बाद यहाँ पे एक विशेष पूजा की जाती है, जो कि होली के एक रात पहले होती है सारी पूजा। और जब ये सारी पूजा हो जाती है तो उसके अगले दिन खेली जाती है मशान होली। और रात को दोस्तों ये पूजा खत्म होने के बाद सुबह सुबह खेलते हैं शव की राख के साथ होली। अच्छा, वो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से वो उसका निर्माण किया। अच्छा, शिव जी 10,000 तक तपस्या किए, उन्हीं का पसीना वहाँ पे रहता है। तो शंकर और पार्वती उसमें स्नान किए, शंकर जी का मढ़ी गिर गया, पार्वती जी का कुंडल, इसीलिए घाट का नाम रखा गया मढ़ी का घाट। अच्छा, दोनों के नाम से। जब शिव जी स्नान करते समय जब ऐसे भूगु मंत्र लिए तो उनका कान का कुंडल गिर गया, और पार्वती माता जी का उनका मढ़ी गिर गया, इसीलिए अच्छा। घाट का नाम रखा गया मढ़ी कर्णिका घाट। आप 80 घाट से और वरुणा घाट से सबसे महत्वपूर्ण ये मढ़ी कर्णिका घाट का है। पर एक्चुअली ये बात क्या है कि यहाँ 10 सत्यकार होते हैं, तो लोग इसको सच्चाई को देखकर डरते हैं, इसलिए कोई आना भी नहीं चाहते, आना नहीं पसंद। और हर किसी को ये लगता है ये मेरे साथ तो होगा ही नहीं, ये मेरे साथ होना तो सबके साथ, लेकिन हर किसी को यही लगता है। इसलिए मैं बोला हूँ ना कि मन सफा रखना चाहिए, बिल्कुल सही, किसी के प्रति खोट नहीं रखना चाहिए, या कोई भी हो, बिल्कुल सही, ये हमारा सिद्धांत है। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रवि सहानी है, मैं इसी जगह बोर्ड चलाता हूँ जी। हम लोग बचपन से पले हुए रहे हैं, मैं पूरे घाट, इसी घाट का नहीं, पूरे हर घाट की स्टोरी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को 18 भाषा आता है, इंग्लिश, हिंदी, सब सारी भाषाएं, हिंदू, बंगाली, सब स्थानीय, बताइए लोग हमारे शहरों में एक एक भाषा सीखने के लिए इतने लंबे लंबे कोर्स करते हैं, और इनको 18 लैंग्वेजेस पता है, बताइए। क्योंकि हमारा बचपन से शुरू से वही काम है, बिल्कुल। मगर हाँ, जो हम लोग वर्ड बोलते हैं केवल अपने यूज के लिए बोलते हैं, अदरवाइज अगर हमसे आप पूछ ले कि ये क्या है बिल्डिंग का मतलब ऊपर की लाइन में, आप जो बेसिक चीजें हैं वो आपको, क्योंकि हम लोग देखिए ना, कोई पढ़े हैं ना लिखे हैं, खाली हम लोग एक दूसरे का सुन के और उसका जो सामने वाला बोलता है उसको रिप्लाई भी देना होता है कि उसी लैंग्वेज में, तो मतलब कि आप कम्युनिकेशन, बातचीत कर पाए किसी से, उतना आपको पता सब बात, बातचीत हम अपना काम कर लेते हैं बस, हमको अपना काम करने से मतलब है, हम कोई गाइड नहीं है, दलाल नहीं है कि हमको आपको पश्मीना स्कार ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं, 100 रुपया 200 500 1000 रुपया माँ गंगा के दया से मिल जाता है, ऐसे ही बहुत है, जीवन की रोटी खाते हैं, माँ गंगा के गोद में सोते हैं, इससे बड़ी पैसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और आपको दिखाते हैं मेरा नीचे का, स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी, इनकी स्टोरी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे रात में क्या क्या होता है। रात में यहाँ पे होती है एक विशेष भस्म पूजा जिसे कहते हैं भस्म आरती, जिसमें वो अग्नि में कुछ प्रेतात्माओं को कुछ जगाने या दिखाने की कुछ कोशिश इस तरीके का कुछ होता है। फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको शव की पूजा कैसे की जाती है, अघोरी लोग जो होते हैं अघोर तंत्र कैसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत कुछ रात भर होने वाली चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कराते हैं माता काली के दर्शन, जो घाट के किनारे पर माता काली हैं। और अब देखिए मसान बाबा की आरती और पूजा।
और ये देखिए दोस्तों रात के 12 बजे हैं और अभी एक शव और आया है। अब इसको ले जा रहे हैं गंगा जी की तरफ। पहले गंगा जल से इनको नहलाया जाएगा, इनका जो भी आचमन या जो भी कराया जाता है वो कराने के लिए इनको गंगा जी की तरफ लेके जा रहे हैं। और देखिए पीछे लाइन से और काफ़ी तैयार लगे हुए हैं शव सारे लाइन से जलाने के लिए। तो अब इस शव को गंगा जल के पास ले जाके अब इसको नहला के ला रहे हैं वापस। और हम आपको दिखाते हैं कि आगे तक ले जाके कि आगे तक देखिए रात में 12 बजे के बाद भी शवों का क्या हाल हो रखा है। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे आप किसी भी समय कितने भी बजे आ जाएं आपको ये लगेगा नहीं कि आप रात में यहाँ पे हैं। हाँ लेकिन दिन और रात का फ़र्क तो ज़रूर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डर नाम की चीज़ आती नहीं क्योंकि मन किसी और विचार में होता है दोस्तों। इतने सारे शवों को देखने के बाद, जलते हुए देखने के बाद, राम नाम सत्य सुनने के बाद मन में डर वाला भाव ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ के पता चल जाता है कि अंतिम जो हमारा कहना चाहिए डेस्टिनेशन है, जो हमारा मंजिल है वो यही है। ये देखिए अंदर तक ऐसे शव चल रहे हैं। ये रात का हाल है दोस्तों 12:10 का। और दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी पूजा दिखाते हैं जहाँ पे कहते हैं कि उस अग्नि से वो आत्माओं या प्रेतात्माओं को निकालने या दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह का। और दोस्तों देखिए ये हो रही है शव की कुछ अघोर विद्या, अघोर तंत्र के लिए कुछ पूजा, देखते हैं क्या है। और दोस्तों इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:45 यानी कि 6:15 का टाइम हो रहा है। और देखिए आप मणिकर्णिका, तुम उदास ना हो, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे बहुत से शमशान घाट है जहाँ एक भी शव नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो सिर्फ जलाया जाता है। मैं तुम्हारी तरह गंगा स्नान करा के मोक्ष प्रदान नहीं करता। और दोस्तों देखिए सारी रात का सफ़र जो था, रात को 9 से लेके सुबह के 6 हैं, बहुत ही अकल्पनीय सफ़र रहा इस मणिकर्णिका घाट का। पूरी रात जो थी वो बहुत ही अकल्पनीय रही है, सोच से परे, इतना शोरगोल, इतना हंगामा। और सुबह देखिए एकदम सन्नाटा, सूर्य निकल रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। और अब हम चलते हैं वापस, आपको कुछ और जगहों के दर्शन कराएंगे आपको। और अभी तो हम चलते हैं बनारस की इन्हीं गलियों में से होते हुए, आपको मंदिर और गलियों के और जो भी चीज़ें रास्ते में उनके दर्शन कराते हुए वापस चलते। और देखिए दोस्तों सिलसिला अभी भी चल रहा है।
ये सिलसिला हजारों सालों से चलता आ रहा और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित ही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।